सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि हमें 11/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 7 और 11 को डिवाइड कर देना होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा डिवीज़र होगा वो हमारा डिनोमिनेटर, डिवीज़र एज डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो हमारा क्वेश्चेंट होगा वो हमारा होल नंबर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिवीज़र तो हमारा 7 है, यानी कि डिनोमिनेटर, जैसे मैंने आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय मैंने आपको बताया था कि मिक्स हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर वही रहेगा, डिवीज़र, ओके। और जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा होल नंबर हो जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, जो हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/4/7, ओके। और आपका जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे सॉल्व कैसे करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।